कम मिट्टी में गमला हम पैसे करें, क्योंकि मिट्टी बहुत महंगी है और अपना ये हल्का भी रहेगा और अपना पानी भी ये सब रोकता है। एक समय अगर पानी भूल भी जाते हैं तो ये पानी को रोकता है, इसके लिए इसको जो है डालते हैं। तो देखो हम पहले कैसे इसको भरते हैं कि हमारा गमला हल्का भी रहे और कम मिट्टी में अपना काम हो जाए। देखो हमारे पास ये सूखा पत्ता था, हमने ये सूखा पत्ता इसमें डाल दिया। सूखा पत्ता डाल दिए, उसके बाद हम इस पर थोड़ी सी मिट्टी और डाल दें ताकि वो नीचे जो है खाद भी बनाता रहे, ये खाद में तब्दील हो जाएगा। ये हमारे गमले को, हमारे झाड़ को बढ़िया खाद बन के तैयार हो जाएगा। देखिए यही सब मैं डाल रही हूँ, वो पत्ता है, इतना ग्रो बैग हमारा इस पत्ते से लग गया। हमारे पास ये किचन वेस्ट था जो हम रोज़ सब्जी बनाते हैं, उसका जो है ये जो छिलका निकलता है हम उसको फेंकते नहीं हैं, उसको हम रख लेते हैं। थोड़ा सा धूप में रख दिए, सूख गए, सूख गए, इसको भी हम अपने ग्रो बैग में भर देंगे। ये भी हमारा खाद का एक नंबर का काम करेगा और हमारा ग्रो बैग भी हल्का रहेगा और हमारा जो है ये खाद भी बना के तैयार करेगा। ये भी हमारा किचन वेस्ट निकला था, इसको भी हम डाल देते हैं इस पर। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी इसलिए डालते हैं ताकि फंगस वंगस ना लगे, ये फंगस का बचाव करेगा, हल्दी डालना चाहिए। हमने हल्दी डाल दी। अब हम इसमें थोड़ा सा एक राख है लकड़ी का, इसको हमने डाल दिया। और इसमें हमने मिट्टी डाल दी, मिट्टी भी डालते हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो बहुत महंगी मिलती है, 20 रुपए किलो मिलती है भाई। आप लोग के यहाँ तो ना, अगर पास पड़ोस में कंस्ट्रक्शन का काम चलता होगा तो आप लोग को मिट्टी आराम से मिल जाएगी, ले सकते हो। हम लोग के लिए तो खरीदना पड़ता है सर, 20 रुपया किलो। टर्न बनाओ, 3 सेकंड 4 सेकंड का हो गया, रुक जाओ।